हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक मेंस लेदर वॉलेट का। तो अगर आप कोई गिफ्ट आइडिया सोच रहे हैं कि हम बॉयज़ को क्या दें फिर मेन को क्या दें, तो आप एकदम करेक्ट वीडियो पे आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉलेट्स के बारे में। तो मैंने ये वॉलेट किए थे अमेज़ॉन से ऑर्डर और ये हैं फ्रॉम द ब्रांड कॉल फैशन फ्रीक। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुए हैं मुझे। पैकेजिंग बहुत क्लासी है, ब्लैक कलर का बॉक्स है और बाहर पे इन्होंने अपना लोगो दिया है, फैशन फ्रीक लिखा है और यहाँ पे लिखा है RFID सिक्योर। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसका क्या यूज़ होता है। तो अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इस तरीके से आपको अंदर वॉलेट मिलता है और ये वॉलेट है पूरा ब्लैक कलर का। आपको अलग अलग कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो जो भी कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। वॉलेट प्योर लेदर है और बहुत ही फाइन लेदर है, सॉफ्ट लेदर है। अंदर आपको ब्राउन कलर से कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आपको 3 कार्ड रखने के लिए, होल्डर के लिए स्पेस मिलता है और इस तरह अंदर भी आपको 3 स्पेस मिलता है और साइड में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और इस साइड आपको मिलता है कॉइन के लिए पाउच, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और पीछे आपको नोट्स रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस अच्छा खासा है और ऐसा नहीं है कि जो काफ़ी वॉलेट हो जाते हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो जब आप उनको अपने पैंट्स पॉकेट में रखते हो तो काफ़ी बल्की लुक देते हैं। तो ये काफ़ी स्लिम है उस हिसाब से, क्योंकि अंदर उन्होंने थोड़ा थिन कपड़ा यूज़ किया गया है ताकि ज़्यादा मोटा ना हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात करते हैं कि RFID सिक्योर। तो RFID का मतलब होता है रिमोट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो हमारे NFC वाले कार्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो उसको हम जब उन कार्ड को हम जब मशीन के पास लाते हैं तो उन्हें स्वाइप नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपने अपने NFC वाले क्रेडिट कार्ड इन वॉलेट्स में रखे हैं, तो अगर कोई भी उस मशीन को आपके वॉलेट के पास लेके जाएगा तो उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये उस तरह से प्रोटेक्ट किए गए हैं, यानी कि ना ही आपका डेटा चोरी होगा ना ही कोई पेमेंट होगी। जबकि अगर आप नॉर्मल वॉलेट में उनको रखते हो तो आपकी डेटा चोरी होने का खतरा है। तो उस वजह से ये काफ़ी अच्छे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से भी, और लुक वाइज काफ़ी क्लासी हैं और लेदर के हैं, तो ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग तो होंगे ही, अच्छे काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे। तो ये था इसका वॉलेट। अब बात करते हैं कार्ड होल्डर की। तो वो भी इसी तरीके की सेम पैकेजिंग में आया है। मुझे तो इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई, मतलब गिफ्ट देने के लिए बहुत अमेजिंग है और ख़ुद के लिए यूज़ करने के लिए तो है ही। तो कार्ड होल्डर की बात करते हैं। तो कार्ड होल्डर भी कुछ इस तरीके से है, ब्राउन कलर का है, ये भी लेदर का है। तो इसके बाहर इस तरह बटन दिया गया है ओपन करने के लिए, और अंदर आपको स्लॉट्स, कार्ड स्लॉट्स मिल जाते हैं रखने के लिए आगे की साइड भी और बुक के लास्ट साइड पे भी, और बीच में आपको पेजेस मिलते हैं अपने कार्ड्स को रखने के लिए। पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है बहुत ही चीप क्वालिटी है कि थोड़ा सा कुछ रखेंगे थोड़ा सा ऐसा वैसा करेंगे तो फट जाएंगे, नहीं, बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से यहाँ पर स्टिक किया गया है। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और लुक वाइज भी काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी अमेजिंग है। और इसमें आपको कलर अलग अलग कलर भी अवेलेबल हैं, तो आप अपनी पसंद से अलग अलग कलर्स ले सकते हैं। तो ये था इनका रिव्यू, होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग की क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, और अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उन्हें वहाँ से बाय कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, सी यू सुपर सून, बाय बाय।